शिव की पत्नी यानी भगवती पार्वती को पूरे उत्तराखंड में नंदा नाम से जाना जाता है। शिव को दामाद और नंदा को बेटी के रूप में यहाँ मानते हैं और उसी तरह से हर साल नंदा को ऊंचे कैलाश को विदा करने की रस्म निभाते हैं। भगवान और देवी के साथ मानवीय रिश्तों की इस अनूठी परंपरा को दिखाने ले चलती हूँ आपको गैरसैंण की नंदा ठोंगी यात्रा पर। जनता की पूजा के लिए पाथावार नंदा का मंदिर है गैरसैंण में, जहां से पूजा अर्चना के बाद देवी का पशुआ पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ जाता है ऊंचे पहाड़ पर बने देवी के मंदिर में। सैकड़ों नर नारी देवताओं के न्यूजा निशान और ध्वजाओं के साथ सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं। जो आपके यहाँ नंदा ठोंगी उत्सव है, एक महिला या लड़की होने के नाते इस उत्सव का क्या महत्व है आपके जीवन में? जब हर साल हम नंदा देवी पार्वती को बुलाते हैं, वैसे ही हम लड़कियों को भी बुलाया जाता है मायके, और हमें सम्मान प्यार प्यार देते हैं घर वाले। ये पर्व मतलब बहुत ही अच्छा है। इस पर्व के द्वारा लड़कियों को समाज में एक वजूद मिलता है। हमें लगता है कि ये परंपरा आगे भी चलती रहनी चाहिए। सब जिस के मनोकामना हो सब पूर्ण हो जाए, और सब जाते थे सब मेला हो हम लोग एकजुट हो जाए। यहाँ कहते हैं मन की मुराद पूरी होती है। जंगल से लाई जाती है ध्वजा का लंबा पेड़, जिस पर गांव के लोग पार्वती के लिए मकई, फल, नए अनाज और श्रृंगार का सामान बांधते हैं और फिर उसे गांव में लाकर मंदिर के सामने खड़ा किया जाता है। पूजा अर्चना के बाद नंदा का पशुआ अपने धर्म भाई हीत और बिनसर के साथ इस ध्वजा पर चढ़ता है। मायके वालों की दी गई सामग्री नंदा स्वीकार करती है और फिर प्रसाद के रूप में जनता को ही वितरित कर देती है। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।